अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो है जी सुजुकी स्विफ्ट 2016 मॉडल DLX, इसकी फ्यूल एवरेज देखना चाह रहे हैं कि क्या फ्यूल एवरेज दे रही है विद AC। अभी मैंने इसका टैंक फिल करवा लिया, वो भी वीडियो में मैं साथ इसको ऐड कर दूंगा। और मीटर जो है वो मैंने अभी इसका ज़ीरो कर लिया, तकरीबन कोई 100-150 के किलोमीटर के करीब गाड़ी ड्राइव करेंगे AC के साथ और फिर चेक करते हैं कि इसकी क्या एवरेज आती है। अच्छा जी, ये अब 157.1 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अब मैं फ्यूल इसमें फिल करवा रहा हूँ दोबारा, अब देखते हैं कि कितना अब इसमें तेल डलता है, फिर इसकी एवरेज निकालते हैं। अच्छा जी, इसमें अब इसकी एवरेज निकालते हैं। 157 डिवाइडेड बाय 9.022, ये अल्हम्दुलिल्लाह आई है जी एवरेज, 17 की एवरेज आई है। और 249 इसका है इस वक्त रेट फ्यूल का, तो इस हिसाब से अगर आम सीधी भी पैसों की भी कैलकुलेशन कर ली जाए तो आप ये कह सकते हैं तकरीबन लाहौर एयरपोर्ट से लेके और तकरीबन खारिया तक कोई 2250 रुपये का तेल लगा। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 17 की एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एवरेज है विद AC। एक दफ़ा मैंने इसमें ये एवरेज निकाली थी, तकरीबन कोई 20 के करीब आई थी विदाउट AC, और AC के साथ जो है वो इस वक्त 17 की एवरेज आ रही है। तो इस हिसाब से ये एवरेज तो इसकी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि वेट के हिसाब से सब माशाल्लाह गाड़ी में वेट भी काफ़ी है, 3 हम बड़े हैं और 3 छोटे बच्चे हैं साथ, और सामान भी काफ़ी है क्योंकि जितना गाड़ी में वेट होता है उस हिसाब से इसकी एवरेज पे भी थोड़ा बहुत असर आता है। और दूसरा ये कि मैंने तकरीबन GT रोड पर चलाई है गाड़ी और बहुत स्मूथ गाड़ी चलाई है, मतलब स्मूथ से मुराद ये कि जिसको हम हल्का पैर कहते हैं आम अल्फाज में, कि बिल्कुल आराम आराम से इसकी मैंने इसमें गियर चेंज किए हैं, तकरीबन 100 से ऊपर, शायद मैं बहुत कम कहीं स्पीड इसकी ओवर हुई होगी। नॉर्मल GT रोड पे 100 स्पीड है तो 100 ही मेरी स्पीड थी, या 90 या 100 इससे एवरेज मेरे, तो उस कैलकुलेशन से ही जो है ना वो सारी मैंने इसकी एवरेज निकाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से बड़ी अच्छी एवरेज आई है। 2016 मॉडल है DLX सुजुकी स्विफ्ट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।